कैसा एग्जाम गया? राम शाम था। देखिए हल्ला मत कीजिए। धीरज कुमार कैसा एग्जाम गया? सर बहुत मस्त। क्वेश्चन नंबर कैसा था? क्वेश्चन नंबर बहुत टफ था, लेकिन हम पूरा गर्दा उड़ा दिए। पूरा गर्दा उड़ा दिए। कितना बना आपने? 100 में 100। 100 में 100। संज्ञा किसे कहते हैं पता आपको? हाँ पता है। किसे कहते हैं? बता नहीं। नहीं पता है। 100 में 100 गर्दा उड़ा दिए। सुनिए, बच्चा का यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था इतना खराब है। देखिए हल्ला मत कीजिए प्लीज। हल्ला क्या नाम है? क्या चीज? क्या नाम है आपका? विशाल चौधरी। इतना चिल्ला रहे, कितना क्वेश्चन बना के आए आप? 50 में 50। संज्ञा किसे कहते हैं पता आपको? पता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा को। व्यक्तिवाचक संज्ञा को। अशोक कुमार सर। कैसा एग्जाम गया? बहुत मस्त गया सर। बहुत मस्त गया। पूरा क्वेश्चन का लेवल कैसा था? बहुत इजी था सर। इजी था, जितना पढ़ा था उतना पूरा। या। अच्छा आज आपका सुनिए बाबू प्लीज हल्ला मत कीजिए, आप लोग पढ़ने आए ना पे। आज आपका 5वां एग्जाम है। यस सर। सब विषय को देखा जाए सबसे आसान आपका ये क्या है, या इससे आसान कोई? नहीं सर, इससे भी आसान है। सबसे आसान क्या नाम आपका? हिमांशु राज। क्या कहा? बच्चों यहाँ पे काफी ज्यादा खुशी हो रहा है कि क्वेश्चन नंबर काफी कम था। हम कुश कुमार। कैसा एग्जाम गया? बहुत अच्छा गया है। 90-95 प्लस आएगा एकदम। 90-95 प्लस से कोई नहीं रोक सकता है। 90-95 फिक्स है। 90-95 एकदम फिक्स है। क्वेश्चन एकदम आसान, एकदम अरे एकदम लड़का के खिलौना के। अच्छा बाबू एक नमस्कार, मैं विद्याभूषण कुमार और आप देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस। मैट्रिक एग्जाम को लेकर आज 5वां दिन है और अभी हम आए हैं सेकेंड सिटिंग में और यहाँ पे अभी हिंदी का पेपर ख़त्म हुआ है। आइए हम बच्चों से बात करेंगे कि उनका पेपर कैसा गया और क्वेश्चन लेवल क्या रहा, क्योंकि कोरोना काल का कोचिंग भी बंद थे जिसमें बच्चों को काफ़ी परेशानी हुई है। आइए हम बच्चों से पूछेंगे कि उनका एग्ज़ाम कैसा गया है। क्या नाम है छोटा आपका? अक्षय कुमार। कैसा एग्ज़ाम गया? बहुत अच्छा। क्वेश्चन लेवल एग्ज़ाम है कैसा था? बहुत अच्छा था। हाँ अच्छा, कॉलेज की क्या व्यवस्था थी एग्जाम को लेकर? बहुत अच्छा थी, यहाँ पर कोरोना का पालन हो रहा था, पूरा भी अच्छी समस्या भी अच्छा ही था। अच्छा आज क्वेश्चन भी आउट हुआ है क्या? नहीं 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 हुआ है। नहीं हमारा चीट भी चलाया क्या? नहीं नहीं चीट नहीं सर, एक थे वो हिलने नहीं दे रहे थे। अच्छा आपने कितना बनाया? हम 95 नंबर के बनाए हैं, 5 नंबर छोड़ दिए हैं। अच्छा व्याकरण से भी कुछ क्वेश्चन था क्या? हाँ व्याकरण नहीं हम पढ़े हैं, हम हिंदी में पढ़े थे, बना दिए। कितना अटेम्प्ट किया आपने? हम 50-100 में करना था, 50 कर लिए हैं। ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए। आइए हम और बच्चों से बात करते हैं। थोड़ा आप लोग रास्ता छोड़ दीजिए और बच्चों जान दीजिए। हल्का पीछे जाओ। क्या नाम है छोटू आपका? विक्रांत कुमार। कैसा एग्जाम गया आपका? अच्छा गया था। क्वेश्चन लेवल कैसा था? अच्छा था सर। कितना बनाया आपने? 50 बनाया है। व्याकरण कैसा था? ठीक था सर। ठीक था। अच्छा संज्ञा किसे कहते हैं पता है आपको? यस सर। किसे कहते हैं? किसी खास नाम या वस्तु के स्थान को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट, आप बहुत अच्छे से पढ़ाई किए हैं। अच्छा कोरोना के लेकर बाबू कोचिंग भी बंद थे तो आप कितना मेहनत किए हैं? कोचिंग बंद होने के बाद आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ा होगा, तो कैसे पढ़ाई किए हैं आप? होम ट्यूशन पर सर आते थे पढ़ाने और ऑनलाइन भी पढ़ाई करते थे। जो पढ़े थे पूरा है आपको? यस सर। चलिए ठीक है। क्या नाम है छोटू? प्रीवियस भी क्वेश्चन पूछे थे क्या? यस यस। पिछले साल जो क्वेश्चन पूछा हुआ था उससे टफ था या उससे आसान था? आसान था। यस यस। क्या नाम है? आप लोग कोई नहीं रोक सकता। अच्छा कॉलेज की व्यवस्था क्या थी? बहुत अच्छा तरीका से थी, लेकिन ठीक छूट गया था मार्क्स। ऑल द बेस्ट। आप लोग क्या नाम है छोटू? थोड़ा आप लोग आगे बढ़िए। क्या नाम है आपका? हिमांशु राज। क्वेश्चन का लेवल कैसा था? बहुत अच्छा, इजी क्वेश्चन था सर। कैसा एग्जाम था? अच्छा था, बहुत अच्छा गया। बहुत अच्छा गया। कितना बनाया आपने? 100 में 100 बना दिया। क्या नाम है छोटू? सर चीटिंग सर नहीं हुआ। देखिए एक एक करके हल्ला मत। क्या नाम है आपका? रोशन कुमार सिंह। कैसा एग्जाम गया? एग्जाम ठीक ठाक जा रहा है। क्वेश्चन का लेवल कैसा था? अच्छा ही था, जो पढ़ाई किया वही आ रहा है। वही आया था जी। अच्छा कोचिंग बंद था कोरोना में, तो आपने पढ़ाई कैसे की थी? कोरोना में पढ़ाई ऑनलाइन क्लास में चल रहा था और यूट्यूब के थ्रू भी पढ़ाई हो रहा था और बुक के थ्रू भी जो पढ़ाई हो रहा था। और कितना अटेम्प्ट किया आपने? क्या सर यूट्यूब से किए सर? आराम से। क्या नाम है छोटा आपका? कैसा एग्जाम गया? अच्छा गया, सबसे अच्छा गया। क्वेश्चन लेवल कैसा था? हाँ क्वेश्चन लेवल कैसा? बहुत अच्छा था। अच्छा आज आपका 5वां एग्जाम है, सबसे ज्यादा आसान ये एग्जाम गया था? यही गया है, जितना पढ़ाई के थे उतना ही था। हाँ क्या नाम है छोटा आपका? निवेक कुमार। कैसा एग्जाम गया बाबू? मस्त गया। क्वेश्चन लेवल कैसा? सोनू कुमार। ठीक है क्वेश्चन? हाँ बुरा मस्त। भीड़ सर लगेगा नहीं सर? भीड़
स्कूल बहुत अच्छा है, चोरी नहीं चला। क्या नाम है छोटू? कुंदन कुमार। कैसा एग्जाम गया बाबू? अच्छा गया। अच्छा गया। क्वेश्चन पेपर तो नहीं? अच्छा तो नहीं, एग्जाम नहीं गया। अच्छा एग्जाम नहीं गया, मैथ का एग्जाम अच्छा नहीं गया। क्या बाबू क्या कहेंगे आप? एग्जाम तो अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है एग्जाम। क्वेश्चन एक मिनट हल्ला मत कीजिए, देखिए आप लोग स्टूडेंट है, हाल आराम से बात कीजिए, सबके बात सुनेंगे। हाँ बाबू एग्जाम अच्छा जा रहा है, जो चाहिए था मैं जैसा पहले आप वहाँ उड़ाएगा था एग्जाम हार्ड है, वैसा कुछ नहीं है। अच्छा आपने जो पढ़ाई किया था उससे क्वेश्चन आया, उससे रिलेटेड आया है सब। क्वेश्चन के बारे में क्या कहेंगे? क्वेश्चन बहुत ईजी था। और व्याकरण से कैसा क्वेश्चन था? व्याकरण से ज्यादातर पर क्वेश्चन आया था। प्रीवियस ईयर से भी क्वेश्चन कुछ दोबारा रिपीट किए थे क्या इस बार? नहीं उतना रिपीट नहीं, रिपीटेड क्वेश्चन नहीं था। नहीं ठीक है, आइए हम और बच्चों से बात करेंगे यहाँ पे। क्या नाम है आपका? राहुल कुमार। इतना चिल्ला रहे आप लोग, कैसा एग्जाम गया? बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा गया। एग्जाम कैसा गया? बहुत अच्छा गया। अच्छा गया है। क्वेश्चन का लेवल कैसा था? ठीक था। आपने कितना बनाया? हम सब बनाया। ग्रामर से कैसा? क्या नाम है बाबू आपका? कन्हैया कुमार। कैसा एग्जाम गया आपका? ठीक गया है सर। क्वेश्चन का लेवल क्या था? ठीक था। ठीक था, जितना पढ़े थे उतना पूरा बनाया आप? यस सर। क्या नाम है आपका? मोनू कुमार सर। कैसा एग्जाम गया आपका? अच्छा गया। कैसा एग्जाम गया? अच्छा गया। क्वेश्चन के लेवल क्या बोला? क्वेश्चन अच्छा था और लिखाया भी, लेकिन लॉकडाउन के चलते कुछ पढ़ाई नहीं हुआ था। अच्छा आपने किताब से नहीं पढ़ाई की थी? नहीं किताब से पढ़ाई बताएगा कौन है, बताने के लिए तो कोई चाहिए ना। अच्छा हिंदी आपको ज्यादा भारी लग रहा है? नहीं हिंदी तो अच्छा है, बना दिए हैं, ऐसा बात नहीं है। कितना अटेम्प्ट किया आपने? अभी तो कम से कम 80-85 अंक आ जाएगा। चलिए और आइए हम और बच्चों से बात करते हैं। क्या नाम है छोटू आपका? नाम छोटू कुमार। एग्जाम दे कर रहे हैं? एग्जाम दे कर रहे हैं। कैसा एग्जाम गया आपका? ठीक है। ठीक था? ठीक गया। क्वेश्चन के बारे में लेवल के बारे में क्या कहेंगे? सब बढ़िया है। सब बढ़िया था। क्या नाम है छोटू? प्रिंस कुमार। क्वेश्चन लेवल कैसा था? अच्छा था, ठीक था। स्लो बनाया आपने? 80-90 नंबर को बना दिए हैं। व्याकरण से कैसा क्वेश्चन था? व्याकरण से ठीक था, व्याकरण से बुक से ज्यादा था, व्याकरण से बुक से ज्यादा था व्याकरण। यस। और ऑब्जेक्टिव के बारे में? ऑब्जेक्टिव ठीक था, सारा ऑब्जेक्टिव बन गया है पूरा सारा क्वेश्चन। यस। अच्छा अंदर चीट भी कराया गया है क्या? क्या चीज़? अंदर चीट भी कराया गया है? ना अंदर चीटिंग कुछ नहीं हुआ, पूरा बढ़िया से एग्जाम गया है। हाँ बढ़िया से गया। क्या छोटू क्या नाम है आपका? सुभाष कुमार। कैसा एग्जाम गया? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। हाँ क्वेश्चन का लेवल कैसा था? अच्छा था। अच्छा था। हेलो क्या नाम है छोटू? धीरज कुमार। कैसा एग्जाम गया आपका? बहुत बढ़िया गया। कितना बना गया? 100 में 100 बना दिए हैं। 100 में 100 नाम? 100 में 100 बना दिया। हाँ संधि किसे कहते हैं पता आपको? संधि विच्छेद क्या होता है करना? आपको करने आता है? आता है। संज्ञा किसे कहते हैं पता आपको? हाँ किसे संज्ञा कहते हैं? संज्ञा कितने भेद होते? पांच को। पांच को पूरा बची दस पढ़ाई दम। कोरोना का क्वेश्चन बनता है उसमें आपको दिक्कत नहीं हुई बाबू? नहीं सर पूरा 100 में 100 बनाया है। ऑल द बेस्ट। बहुत है गया। चलिए ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए। देखिए हम लोग बच्चों से बात करके ये पता चला कि क्वेश्चन का लेवल काफ़ी ही कम था, लेकिन कुछ बच्चों का कहना यह है कि क्वेश्चन पहले ही एग्जाम से पहले आउट हो जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन आउट हो जा रहा है तो बच्चे काफ़ी खुश हो जा रहे हैं कि जिस बच्चे को क्वेश्चन मिल रहा है वो तो समझ रहा है कि चलो मेरा इस बार 80% प्लस ही आएगा, लेकिन वो ये नहीं जान रहा है कि क्वेश्चन मिल जाने से सिर्फ वो नंबर ज़्यादा लाएगा लेकिन जो उसको ज्ञान की प्राप्ति होगी वो नहीं होगी। और ये भी बात थोड़ी सी बच्चों को दिक्कत हुई है कि जैसे कि देखा जाए कोरोना काल का कोचिंग नहीं बनता, लेकिन जो बच्चे काफ़ी मेहनत करने वाले हैं ना वो बुक से ही अपनी अच्छी तरह पढ़ाई करके अच्छा से एग्ज़ाम पास हो रहे हैं, और जो बच्चे नहीं पढ़ाई कर रहे हैं वो सिर्फ क्वेश्चन के फेरे पढ़ रहे हैं। ये है हमारा बिहार का शिक्षा व्यवस्था। जो बच्चे बोल रहे हैं कि हम 80% बना के आए हैं 90%, उनको संज्ञा क्या होता है कुछ पता नहीं है, क्या पास करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन मिल जाता है तो बस इससे पास हो जाएंगे, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ज्ञान की प्राप्ति किसी बच्चों को नहीं होगी। क्या सही बोल रहे ना बाबू लोग? क्या सही बोल रहे ना? कोई गलत नहीं बोले बाबू? नहीं सर जी सर ठीक है सर ठीक है। अच्छा गया सबका एग्जाम, जो बच्चे अच्छे हैं उनका एग्जाम बहुत अच्छा गया है। चलिए हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।